तो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर और अपन को ये प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जहाँ पर के 0 to n-1 वेरी कर रहा है उसकी वैल्यू इसके इक्वल शो करनी है। तो यहाँ पर अपन देखें तो अपन को nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता है। सो अगर z रेस टू पावर n इज इक्वल टू 1 हो तो z रेस टू पावर n-1 इज इक्वल टू 0 के n रूट्स होंगे जिसमें से एक 1 होगा एंड बाकी e रेस टू पावर i 2π/n। अगर मैं इसको अल्फा बोल दूँ तो एक 1 अल्फा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर n-1 इस तरीके का आता है। तो ये चीज है। तो अब अगर अपन देखें तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा कि इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ z-z-α z-α² अब टू ये जो पूरा प्रोडक्ट है z-α^n-1 इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पर देखूँ तो ये अल्फा इस टाइप का है जो कि cos ऑफ 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n ये है। अगर मैं अल्फा स्क्वायर देखूंगा तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा e रेस टू पावर आयोटा 4π/n जो कि cos ऑफ 4π/n प्लस आयोटा साइन 4π/n होगा। तो अगर मैं इस पूरे प्रोडक्ट में यहाँ पर पुट कर दूं तो z रेस टू पावर n-1 इज इक्वल टू z-1 z माइनस यहाँ पर cos ऑफ 2π/n एंड माइनस ऑफ आयोटा साइन 2π/n इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पर z माइनस कॉस ऑफ 4π/n माइनस ऑफ आयोटा साइन ऑफ 4π/n इस तरीके से ये आ जाएगा। और ये चीज है यहाँ पर। और जहां पर अगर अपन देखें तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ z रेस टू पावर n-1 इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट हो जाएगा k की वैल्यू 0 to n-1। इस 1 को मैं यहाँ पे कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ z माइनस कॉस ऑफ 2k π/n प्लस आयोटा ओ सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा एंड ये 2k π/n एंड माइनस आयोटा साइन ऑफ 2k π/n इस तरीके से आएगा ये। सो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगर मैं दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लूँ तो यहाँ तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर। और यहाँ पे अगर तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट में अगर जैसे ये है और उसका मुझे मॉड्यूलस लेना है तो क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ z2। तो वैसे ये पूरा प्रोडक्ट में है तो मॉड्यूलस लूंगा तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट तो ऐसे कैसे ही है। k की वैल्यू 0 to n-1 वेरी करेगी और यहाँ पर इसका यहाँ पर अपने पास मॉड्यूलस आ जाएगा इस तरीके से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि दोनों तरफ स्क्वायर करना चाहता हूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो इसमें इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये प्रोडक्ट तो ऐसे ही है यहाँ पर इनका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो रियल नंबर है वो एक्चुअली सबसेट है किसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं यहाँ पर ये जेड को अगर रियल लेके चलूँ जेड में एक रियल लेके चलूँ तो ये जेड माइनस कॉस ये जो पार्ट है वो एक रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो तुम्हें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का है तो उसका मॉड्यूलस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी को भी उसी तरह लेके चलें तो जेड रेस टू पावर n-1 का होल स्क्वायर ये जो प्रोडक्ट है k की वैल्यू 0 to n-1 ये बेसिकली जेड माइनस कॉस ऑफ 2k π/n का यहाँ पे होल स्क्वायर एंड प्लस साइन ऑफ 2k π/n का होल स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। इसको अगर ओपन ओपन कर दे तो जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या थीटा मैं 2k π/n को बोल रहा हूँ एंड माइनस 2z cos θ बनेगा जो बेसिकली जेड स्क्वायर प्लस 1 -2z cos θ आ जाएगा। एंड तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जेड रेस टू पावर n-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है k की वैल्यू 0 to n-1 यहाँ पर अपने पास हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 -2z cos θ/n इस तरीके से आया अपने पास। अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो अगर मैं जेड की जगह कॉस ऑफ 2π/n पुट कर दूं मैंने रियल नंबर बोला था और एक रियल नंबर है अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 2π/n की पावर n-1 का स्क्वायर ये उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर इस तरीके से। और इधर भी पुट कर देता हूँ तो अपने पास प्रोडक्ट हो जाएगा k की वैल्यू 0 to n-1 एंड यहाँ पर ये जेड स्क्वायर की जगह यहाँ पर कॉस ऑफ 2π/n का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 cos θ/n जेड की जगह मैंने पुट किया एंड यहाँ पर भी कॉस ऑफ 2k π/n है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये कॉस ऑफ 2k π/n है इस तरीके से है ये। सो अब मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। सो ये 2 cos है cos भी बन रहा है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके
कॉस ऑफ ए प्लस बी जो कि इस टाइप का हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स k+1 पाई बाय n एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा कॉस ऑफ 2 टाइम्स सॉरी यहाँ पर ये k-1 आएगा k-1 टाइम्स पाई बाय n कॉस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर तुम 1 माइनस k लिखो या k-1 सो कॉस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है सो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसको अगर मैं कॉस ऑफ 2 थीटा कंपेयर करूं सो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 2 थीटा 1 माइनस 2 टाइम्स sin² थीटा होता है सो बेसिकली ये यहाँ पर माइनस तो है ही 1 माइनस 2 टाइम्स sin ऑफ k+1 पाई बाय n का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर अपन देखें तो माइनस का साइन है ही तो 1 माइनस 2 टाइम्स sin ऑफ k-1 पाई बाय n का यहाँ पर ये और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये साइन वाले टर्म का इस तरीके से एंड यहाँ पर बेसिकली ये कॉस में है तो मुझे क्या करना है पूरा साइन में लेके आना है। अगर तुम प्रॉब्लम को ध्यान से देखो तो पूरा साइन में चीजें तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin² थीटा पुट कर सकता हूँ सो वही मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ सो इसको मैंने 1 माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाय n का होल स्क्वायर एंड +1 इस तरीके से आ गया मेरा। ये जो +1 एंड +1 है इस -1 के साथ एंड ये -1 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या अपने पास यहाँ पर बेसिकली 2 टाइम्स sin ऑफ k-1 पाई बाय n का होल स्क्वायर एंड +2 टाइम्स sin ऑफ k+1 पाई बाय n का होल स्क्वायर एंड -sin ऑफ 2 पाई बाय n का होल स्क्वायर ये पूरी चीज बचेगी यहाँ पर तुम इसको चेक कर सकते हो। और इधर यहाँ पर बेसिकली अगर मैं चेक करूँ तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पर बेसिकली मैं इस चीज की बात कर रहा था सो इस चीज को मैं यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा ये अगर देखेंगे तो ये रियल नंबर है तो रियल नंबर है तो यहाँ पे इसको मॉड्यूलस को तुम मोड के जैसे कंसिडर कर सकते हो तो ये बेसिकली 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाय n का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है सो बेसिकली वो उस तरीके से मैंने उसको ओपन कर दिया सो इस तरीके से अपने पास हो जाएगा और यही अपना आंसर है। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।